गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। सो गाइज हम भी ठीक हैं। सो गाइज अभी बजे हैं सुबह के 5:30 और मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। सो गाइज अभी मैं सबसे पहले मेरा काम जो है वो है जहाँ मैं सोती हूँ उस पर कुकिंग करूँ, एंड उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में और एक गिलास पीऊँगी गर्म पानी जिसके अंदर मैं डालूँगी हल्दी, और बस उसके बाद फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। ठीक है गाइज। सो गाइज अब मैंने कर ली है बात और अब मेरी स्टार्ट होगी है पूजा। सो आप भी कर लीजिए भगवान जी के दर्शन, जोत लगा रखी है और सुबह का काम तो आपको पता है सबसे पहले यही होता है नहाने के बाद का कि भगवान का नाम लेना। आप भी भगवान का नाम लीजिए सुबह। गाइज सैटरडे और ट्यूसडे को हम लोग हनुमान जी का अभिषेक करते हैं, और हनुमान जी हो या कोई भी देवी देवता हो हम उसका अभिषेक करते हैं इस कांसे की थाली के ऊपर, ये सूची होती है। तो गाइज अब कांसे की थाली के ऊपर हमने हनुमान जी को रखा हुआ है, अब उनका अभिषेक कर रहे हैं। पहले दूध से उनका अभिषेक किया जाता है धीरे धीरे से, और पीछे उनके शालिग्राम जी हमने स्थापित किए हुए हैं, जो ये चौकी है इनका आसन है, और ये इनके साइड में तिलक रखा हुआ है, ये पास में एक और तिलक है, ये हल्दी का है। सो गाइज अब बारी बारी से इनका अभिषेक कर रहे हैं हम। अभिषेक में पता ही आपको क्या क्या यूज़ होता है। अब पानी, अब जल चढ़ा रहे हैं इनके ऊपर, अब इनको इनके कपड़े पहनाए गए हैं, तिलक लगाया गया है। सो गाइज आज मैंने सोचा कि आज बनाती हूँ मैं चटनी मिर्ची और अनियन की। सो मम्मी वही काट रही हैं, ये देखिए मिर्ची भी। सो गाइज मिर्ची की चटनी के लिए सबसे पहले मैंने ली है काली वाली लोहे की कढ़ाई, उसके अंदर डाला है तेल सरसों का, और फिर उसके अंदर डाली है चौकी मिर्ची और अनियन, उसको फिर आप कर रहे हैं मिक्स, और गैस को कर दिया मैंने स्लो, ये देखिए। और इसमें तेल गाइज ज़्यादा डलता है, थोड़ा नहीं डलता है, ज़्यादा डालना चाहिए। फिर मैंने पहले डाला नमक, फिर डाली हल्दी थोड़ी सी, उसके बाद थोड़ा सा और तेल डाल दिया क्योंकि मेरे तेल थोड़ा सा कम हो गया था, और मम्मी बगल में बना रही है चपाती, और मैं अब इसको कर देती हूँ फिर से मिक्स। मम्मी की चपाती अच्छे से फूल रही है, मेरी चपाती कभी नहीं इतनी फूलती। अब मैंने इसमें डाला है पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। मेरी चटनी बन रही है और मम्मी की चपातियाँ बन रही हैं। सो गाइज अब बज चुके हैं 9 और अब है ब्रेकफास्ट का टाइम। ब्रेकफास्ट में मैंने मम्मी ने बनाई थी चपाती, आलू की सब्जी और एक है मिर्ची, ये मिर्ची तली हुई, और ये है चाय। हम सभी ना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम है। सो गाइज आप भी ब्रेकफास्ट कीजिए, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइज अब टाइम है मेरा ब्रेकफास्ट करने के बाद डस्टिंग और मॉपिंग का। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ पोछा, और पोछा मुझे अच्छे से लगाना पसंद है क्योंकि मुझे सफाई बहुत पसंद है। सो गाइज अब मेरा लग रहा है पोछा, अभी मैं इसी कमरे, एक कमरे में लगाने में मुझे कम से कम 15 या 20 मिनट लग जाते हैं पोछा, क्योंकि मुझे सफाई वाला पोछा ही अच्छा लगता है, पानी को मैं बार बार बदलती हूँ। सो गाइज अब वेदर हो रखा है बारिश का, डेली बारिश अच्छी भी लगती है गाइज बारिश। सो देखिए कितना अच्छा लग रहा है वेदर। सो गाइज आप बज चुके हैं 4 और अभी टाइम है चाय बनाने का। सो अभी मैं आई हूँ किचन में सबके लिए चाय बनाने के लिए। दादी मेरी यहाँ पे नहीं है, दादी मेरी बाहर गई हुई है, मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, अपने पापा के लिए चाय बनाऊंगी, अपनी मम्मी के लिए चाय बनाऊंगी, भाई मेरा चाय पीता नहीं है। सो गाइज अभी स्टार्ट करते हैं चाय बनाना, और बाहर तो आपको मौसम क्या दिखाऊं मैं, बिल्कुल बारिश वाला हुआ पड़ा है, डेली बारिश होती है, कोई एक आध दिन होता है जब बारिश नहीं होती है। सो गाइज अभी स्टार्ट करते हैं हम चाय बनाना, ठीक है गाइज। सो गाइज अब बन रही है मेरी चाय, चाय के लिए मैं सबसे पहले लिया फ्राई पैन, उसके अंदर डाला पानी, एंड फिर जलाई गैस, और गैस के ऊपर रखा फ्राई पैन, फ्राई पैन के अंदर सबसे पहले डाली अदरक कूट के, अदरक कूटने में भी टाइम लग जाता है इसमें तो ये आवाज़ बहुत करता है। उसके बाद क्या डाला, चीनी डाली जी, अदरक मेरी डल गई, अब चीनी डलेगी, देखिए। तो गाइस कड़क चाय पीने का ना मज़ा ही अलग होता है, और फिर मेरे जो बर्तन बचे हुए थे थोड़े से मैं उनको भी साथ के साथ साफ़ कर रही हूँ, मैं देखिए। सो गाइस जो कड़क चाय होती है ना उसका पीने का मज़ा ही अलग होता है, वैसे मैं चाय कम पीती हूँ लेकिन कभी कभी मुझे बहुत अच्छी लगती चाय। सो गाइस आप बच चुके हैं 11, बारिश लगी हुई है बाहर इसलिए मैंने आज बनाया था काढ़ा, दूध किसी को नहीं पीना था, सबने बोला कि उन्हें काढ़ा ही पीना है। सो गाइस अभी जस्ट मैंने, हम सब ने अपना काढ़ा पिया है,
सो अब ये सोने का टाइम, आज के इस व्लॉग में यही पैन करती हूँ। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज चीतिया व्लॉग। कल मिलती हूँ मैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टीसी स्टे होम स्टे सेफ।